हाय दोस्त, अब हम लोग लेकर आए अगले क्वेश्चन नंबर 18 सॉलिड स्टेट को वही इंटरेस्ट का ही सारे से वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन लेकर आए कितना, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का है क्या बात, क्वेश्चन नंबर 18 का कि आयन एलिमेंट विद मोलर मास, ये कोई एक तत्व जिसका मोलर मास दिया हुआ है इतना, फॉर्म एक क्यूबिक यूनिट से, वो क्यूबिक यूनिट फॉर्म कर रहा है विद एज लेंथ 405 किलोमीटर। ठीक है, और उसका डेंसिटी है, इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7×10³ केजी मीटर क्यूब, भाटीगा नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट से, वह क्यूबिक यूनिट से का नेचर क्या है, बता रहा है धीरे लिखो कि एक तत्व का मोलर मास इतना। ठीक है, या 405 किलोमीटर लंबाई की भुजा वाली घंटी है, या कोशिका वाला यदि इसका घनत्व इतना है तो घंटी का कोशिका का प्रकृति क्या है, मतलब नेचर कैसा है। तो यह एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या दिया हुआ और क्या लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या दिया हुआ, तो गिवन ही अगर इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ क्या है, कह रहा है कि आयन एलिमेंट विद मोलर मास, मतलब मोलर मास का दिया, तो मोलर मास को कैपिटल एम से सूचित करते हैं, मोलर मास को कैसे सूचित करते हैं, कैपिटल एम से, मोलर मास दिया है 2.7×10^-2 केजी पर मोल, मोल इनवर्स को पर मोल कर देते हैं, ऊपर से नीचे आ जाएगा बटन तो मोल, और दे रहे कि फॉर्म एक क्यूबिक यूनिट से, वह क्यूबिक यूनिट से फॉर्म कर रहा है विद एज लेंथ, एज लेंथ मतलब किनारे की लंबाई, और किनारे की लंबाई को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कौन से डिनोट करते हैं, ए से, तो ए बराबर दे रहे, ए बराबर कितना दिया हुआ 405 किलोमीटर, 405 किलो मीटर, तो एक एस डेंसिटी है, फिर उसका यदि उसका डेंसिटी दे ले तो डेंसिटी डी बराबर दे रहे 2.7×10³ केजी पर मीटर क्यूब, ऊपर माने थे तो बटन लगा देते प्लस हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कह रहा है कि भाटी द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट, या क्यूबिक यूनिट का नेचर कैसे होगा, तो पहले ये पता होना चाहिए बच्चे लोगों को। ठीक है, तुम लोगों की सबसे पहले कि यूनिट सेल क्या होता है, कह रहा बाबू कि जब उसका डेंसिटी दे दिया है, किनारे लंबाई दी है, मोलर मास दिया हुआ है, तब कह रहा है कि वह कैसा यूनिट सेल बना रहा है, मतलब कैसा यूनिट सेल का नेचर है, जिसके लिए हमें जेड का मान पता होना चाहिए, अगर जेड का मान निकलता है तो वह बनाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अगर जेड का मान निकलता है तो आपको बनाएगा बॉडी सेंटर यूनिट सेल, अगर जेड का मान निकलता है 4 तो आपको बनाएगा अपने सेंटर यूनिट सेल, देखो एंड भी होता है तो एंड का आपको वहां उतना जानना नहीं, मिल ही जाएगी निकल, और यही एफसीसी का सीसीपी भी का क्लियर, तो हम लोग निकाल देंगे जेड का मान, मतलब जेड का मान निकालेंगे तो हम लोग ये बता दे सकते हैं कि क्या यूनिट सेल कैसा नेचर का है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाबू जेड, तो जेड बराबर भार, तो बताओ एम के लिए मोलर मास है, किनारे की लंबाई है, और घनत्व दे रहे, और जेड निकालना परमाणु संख्या, तो बताओ कौन फॉर्मूला लगाना बाबू, तो डी बराबर, कौन बराबर, डी बराबर, डी बराबर दूसरा फॉर्मूला, तो डी बराबर जेड गुणे एम बटा एन इनटू ए क्यूब, डी डेंसिटी जेड नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम पता चल जाएगा, अगर एक आया तो सिंपल बना रहा, अगर दो आया तो बॉडी बना रहा, अगर चार आया तो फेस बना रहा, तीन में होता नहीं हो सब। ठीक है, एम आपको दिया हुआ, मास दिया हुआ, ये नहीं आपको गार्डन नंबर दिया हुआ, और ये आपको क्या किनारे की लंबाई मतलब एज, तो ये सारा दिया हुआ, लेकिन एक चीज और चीज देखो, ये केजी पर मोल, ये केजी पर मीटर, क्लियर, और ये आपको क्या पिकोमीटर देते हैं, इस पिकोमीटर का हम लोग चेंज कर लेंगे क्या में मीटर, तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10^-12 मीटर, तो 405 तो 405 गुणे 10^-12 मीटर हो गया, कोई दिक्कत, चलिए वैल्यू अपन करेंगे सही वैल्यू, तो डी का नंबर पुट कर देते हैं, तो डी का नंबर कितना बाबू 2, ठीक है 2.7×10^ कितना 3 बराबर, जेड तो हमको निकालना है, एम दे रहे हैं 2.7×10^-2 बटा एम दे रहे हैं, सॉरी ए नहीं अवोगाड्रो नंबर, तो अवोगाड्रो नंबर का मान 6.022 होता है, ये मान होता है इसका अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर का मान होता है 6.022×10^23 वही का है, अब गुणा ए, तो ए किनारे लंबाई, किनारे लंबाई में दिया 405 पिकोमीटर दे रहे, लेकिन मीटर में हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी क्या है मीटर, डेंसिटी जब मीटर में है तो किनारे लंबाई में मीटर है ना, तो 405×10^-12 यहां हॉल की है, इधर तीन कर दो कोई दिक्कत, अब यहां पर देखो 2.7 से 2.7 कैंसिल, ऊपर ऊपर गुना में खड़े हैं, अब इस सभी भाग में इधर आ गए गुना, ठीक है, तो इसको क्या निकलेगा 10^3 6000, ठीक है 6000 कितना 22, एक पॉइंट है बटन हटा देते नीचे आ जाएगा कितना 1000×10^23 कोई दिक्कत, ठीक है, अब गुण नहीं 405 है तो 405 का हॉल क्यूब कर देते हैं, और 10^-12 का हॉल क्यूब अलग से, तो 10^-12 का हॉल क्यूब करेंगे तो -12 पावर जुड़ता है, तो 12 24 36, तो 10^ कितना
माइनस 36 और बराबर जेड और गुणे 10 के पावर और माइनस, बात समझ आ रही है? आप देखिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या निकलता है कि ये भी हजार और ये भी हजार, तो हजार से हजार कैंसिल, और इसको 10 की पावर 3 लिखे गए तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 से कैंसिल हो गए, कोई दिक्कत घूमने जाता तो माइनस जाता तो घट जाता ना, आप ध्यान दीजिएगा, बात समझिए, ये 6022 तो 6022 कोई दिक्कत, अब 10 की पावर 23 तो 10 की पावर 23, अच्छा एक मिनट इसको भी घटाइए, 10 की पावर 23 में से 10 की पावर 36 गया तो कितना बच गया बाबू, फटाफट बताओ, 10 की पावर 23 में से 10 की पावर 36 गया तो 10 की पावर कितना हो गया 13, 10 की पावर कितना 13 हो गया, अब गुणे 405, 405 का होल क्यू करेंगे तो 405 का आप लोग होल क्यू कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो इसको जब 405 का होल क्यू कीजिए तो आ जाएगा आपका 66 43 0 1 25, आप लोग गुणा कर दीजिए इसको, 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 66 43 0 1 25, इतना आ जाएगा पत्थर बनेगा, ठीक है, अब बराबर जेड, अभी गुणे 10 के पावर माइनस 2 तो गुणा में इधर आएगा कुछ भाग 10 के पावर माइनस 2, ठीक है, आप ध्यान दीजिए बात समझो, अगर हम लोग बात करें यहां पर एक चीज अगर ध्यान दीजिएगा कि 10 के पावर 3 ऊपर के माइनस 3 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 कैंसिल, चलिए अब यहां पर देखिए ये 10 के पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो निकल जाएगा प्लस, क्या निकल जाएगा बाबू प्लस, यहां से सही हुआ एक मिनट सॉरी, यहां पर आपका माइनस 13 ना, क्योंकि 10 के पावर माइनस 36 वैसे 10 के पावर 13 है तो 10 के पावर माइनस 13 बचेगा, ठीक है, यहां पर देख लीजिए अब यहां पर जेड बार लिखेंगे तो इसमें इसमें गुणा करेंगे 6022 में 66 से जब गुणा करेंगे तो आपका कितना जाएगा बाबू, तो इसमें आ जाएगा आपका बहुत लंबा कीजिए 6400 और कितना आ जाएगा आपको, तो क्या ना मतलब इसमें आपको आ जाएगा और 22 1750 इतना लंबा डिजिट आ जाएगा, बात समझ आ रहा है, ठीक है सॉरी, क्योंकि देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 सॉरी, इसको जब गुणा करेंगे आप लोग सही आंसर पर इसमें 66 43 0 25 में 6022 से गुणा करें तो 4022, ठीक है 12 सर 4022, ठीक है सर 4042 इसमें से गुणा करें तो 4042 22 और 12 7 10 12 7 50 बट्टा तो गुणे 10 के पावर माइनस 2 और ये 10 के पावर माइनस 2 ऊपर निकल जाएगा 10 के पावर प्लस में तो हो जाएगा, तो कारण में z बराबर 4 00 00 42 21 2 7 50 और ये बट 10 के पावर 13 से 10 के पावर 2 गया तो गुणे 10 के पावर माइनस 11 और माइनस 11 गुणा में इधर आएगा तो भाग z बराबर 4 00 00 42 2 12 7 50 अब बट्टा आ जाएगा 10 के पावर कितना प्लस में 11 हो जाएगा 10 के पावर 11 हो जाएगा, अब इसमें आप लोग डिवाइड कर दीजिए जेड बराबर, ठीक है दीजिए, तो देखिए 10 के पावर 11 मतलब 1 पर 11 जीरो, तो क्या मतलब कि 11 डिजिट के बाद क्या बैठा देते हो पॉइंट बैठा देते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो 11 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देते हो, मतलब कि अरे लोग समझ में आ जाना चाहिए 10 के पावर 11 मतलब 1 पर 11 जीरो, अब 1 पर 11 जीरो तो 1 पर 11 जीरो से जब भागा देंगे तो 11 के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, मतलब 4.00042212, ठीक है 7 50 इतना हो गया पॉइंट पर, तो पॉइंट पर हम लोग 3 जीरो निकल गए, तो 4.00 तो क्या मतलब जेड कमांड कितना है 4, जब जेड मान 4 है तो बताओ कैसा इंटरसेल हो, तो वो आपका होगा फेस सेंटर्ड यूनिट से, और यही फेस सेंटर्ड यूनिट से मतलब फलक केंद्रित का कोष्ठक, और इसी फलक केंद्रित का कोष्ठक को भी कहते हैं सीसीपी, तो एनसीईआरटी में आंसर आते होगा सीसीपी, दाग बका नहीं जाना, तो सीसीपी चौक का हो चाहे तो एक सीसीपी हो बात दोनों बराबर है, घटीय यूनिट से मतलब यूनिट करते हैं और क्यूबिक रूल है, ये आपका हो गया आंसर, तो बात समझ कि जब आपको इतने सारे डिटेल्स दिया हुआ रहेगा तो उसको आप लोग जेड कमांड निकाल के ये बता दे सकते हैं कैसा है तो उस कैसे निकलेगा जेड के मान से अगर जेड के मान एक आता तो हम लोग लिखते हैं सिंपल जेड के मान दो आता तो यहाँ लिखते बॉडी जेड के मान चार है तो यहाँ लिखते फेस कोई दिक्कत थैंक्स